नमस्ते अजी, एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूं डॉक्टर धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज हम एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जिसे सुनकर आप ये कहेंगे कि काश ये बात आपको पहले पता होती तो आपका स्कूल, कॉलेज या जो भी आपने पढ़ाई करी है वो शायद और आसान होती या और बेहतर होती। खैर, जो भी है, ज़िंदगी तो सीखने का ही नाम है। हर रोज़, हर कभी कुछ ना कुछ तो हमें सीखना ही है। तो आज भी आप कोई किताब खोलें, कोई भी पढ़ाई करें, तो ये जो टेक्निक है रीकी हीलिंग का, इसे ज़रूर अपनाएं। फ़िलहाल इसे इस तरह से लीजिए कि आप अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को, अपने स्टूडेंट्स को, या अगर आप भी कॉलेज में हैं या कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो रीकी हीलिंग की ये आसान सी टेक्निक अपनाइए, जिससे आपकी पढ़ाई बेहतर होगी, आपका कॉन्सेंट्रेशन बेहतर होगा, आप ऊर्जा लेवल पर अपनी किताबों से, अपनी किताबों में लिखी हुई बातों से, अपने नोटबुक से, और जो भी चीज़ें आप अपनी पढ़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं उनसे ऊर्जा लेवल पर कनेक्ट हो पाएंगे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप अपनी पढ़ाई से किसी भी गॉड को, किसी भी परम शक्ति को, जैसे माता सरस्वती को आप मानते हैं, या आप किसी भी देवी देवता को अपनी पढ़ाई से कनेक्ट करते हैं, तो आप देखिए कि इस टेक्निक से उनसे भी सीधे कनेक्ट हो पाएंगे, ताकि उस रूप से आपको ऊर्जा मिल सके। देखिए, मैं खुद बहुत रिलीजियस हूँ, मैं खुद बहुत स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ रिलीजियस होने का मतलब स्पिरिचुअल होना हो सकता है, बट स्पिरिचुअल होने का मतलब रिलीजियस होना कहीं पर भी ज़रूरी नहीं है। तो हम हर जगह ब्रह्मांड में हर कुछ भगवान है, हर चीज़ भगवान है, लेकिन भगवान को इतने बड़े आकार में हम नहीं दे सकते, इसलिए हमने एक छोटा सा रूप दे दिया है, जिससे हमें वो समझ में आ जाए कि विद्या की देवी सरस्वती माता, पैसों की देवी लक्ष्मी माता, सुख के देवता गणेश भगवान जी, बल के देवता हनुमान जी, सुख समृद्धि के देवता भगवान विष्णु। हमने बस अलग अलग कर रखा है ताकि हमें समझ में आ सके। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर एक बहुत मोटी किताब दे दी जाए तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन उसे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कर दिया जाए कि हाँ, ये विज्ञान है, ये गणित है, ये सोशल साइंस है, ये सोशोलॉजी है, ये पॉलिटिकल साइंस है, ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, तो इससे हमें समझ में आता है, हमारी बुद्धि को समझ में आता है। इसका कहीं भी मतलब ये नहीं है कि ये बुक काम की नहीं है। तो चलिए आते हैं पॉइंट पे। नए नए स्कूल आए हैं, नए नए कॉलेज आए हैं, अब आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, चाहे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करने वाले हैं, चाहे कुछ भी जिसके लिए आप इस साल तैयारी करने वाले हैं, तो सबसे पहले अपनी सारी किताबों को लेकर के आइए, सबको लाइन से ऐसे रखिए और दिल से उसे प्रणाम कीजिए, धन्यवाद कीजिए कि आपको ये मौका मिला है उनका अध्ययन करने का। ये आपका सौभाग्य है कि आपको किताबें मिल पाई। ऐसी कितनी किताबें हैं जो लुप्त हो चुकी हैं और हमें नहीं मिलती, ऐसे कितने ज्ञान हैं जिसके लिए मैं खुद भटका हूँ, जो यहाँ कैमरे में आकर YouTube में आपको इतनी आसानी से मैं सिखा रहा हूँ, उसके लिए कई कई दिन मुझे जंगलों में रहना पड़ा है, अपने गुरुओं के साथ घूमना पड़ा है। तो आपको जो किताबें मिली है उसको आदर समेत ग्रेटिट्यूड के साथ प्रणाम कीजिए, धन्यवाद कीजिए। और अब सबके एक एक पन्ने को खोलिए, जैसे कि ये पन्ना खोलिए और रेकी का पहला सिंबल बना दीजिए चौकुरे, दूसरा सिंबल बना दीजिए सेहेकी, और तीसरा सिंबल बना दीजिए हॉर्न सजेशनेन। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि मैं ज़्यादातर हीलिंग इन तीन सिंबल से ही करना सिखाता हूँ, क्योंकि रेकी हीलिंग को मैं कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं चाहता हूँ। हालांकि इसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं जो आपको सिखाए भी जाएंगे, लेकिन ये मास्टर और ग्रैंड मास्टर लेवल तक के लिए होने चाहिए जब आप बहुत ज़्यादा सध चुके हों, क्योंकि ज़्यादातर रेकी प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं वो बहुत सारे सिंबल्स को नहीं समझ पाने के कारण या नहीं यूज़ कर पाने के कारण ही रेकी लिंग को क्विट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे तीन प्यारे सिंबल्स रखिए जो बहुत शक्तिशाली हैं, इनसे हीलिंग करना सीखिए। तो चौकुरे, सेकी और होन सजेशनेन, तीनों सिंबल्स को लाइन से लिख लीजिए, नीले पेन से ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब उसका मतलब समझ जाइए। चौकुरे शक्ति के लिए, ज्ञान की शक्ति जो ब्रह्मांड से आपको मिलेगी, सेकी उस शक्ति के बैलेंस के लिए, बैलेंस ज़रूरी है ना, कोई भी शक्ति आती तो उसको बैलेंस करना आना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट होन सजेशनेन, यानी कि आपके अंदर के बुद्धा को मेरे अंदर के बुद्धा द्वारा प्रणाम, मतलब कि उस ब्रह्मांडी चेतना से इस किताब का सीधा कनेक्शन, ब्रिज, और इस किताब से आपके मन का, आपके हृदय का, आपकी आत्मा का सीधा कनेक्शन, मतलब कि आप इस सिंबल्स के ज़रिए इस किताब को
किताब से ये वादा ले रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझसे जुड़िए और मेरी अंतरात्मा में समाइए और मेरे अंदर वो इच्छा पैदा कीजिए कि मैं आपका अध्ययन करूँ। तो इस तरह से सारी किताबों में, सारे नोटबुक्स में आप ये सिंबल्स को बना दीजिए, जिससे ये सारे नोटबुक, सारी किताबें रेकी हीलिंग के द्वारा आपसे जुड़ जाए। बस आपको ये करना है कि महीने की पहली या दूसरी तारीख को या तीसरी तारीख को इस सारी चीज़ों को एक साथ अपनी हाथों से हील करना। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और खुद एक रेकी प्रैक्टिशनर्स हैं तो आप खुद से हील कीजिए, या अगर आप एक माता पिता हैं और आपके बच्चों का या आपके भाई बहनों का कोई है तो आप उनका ऐसे हील कर लीजिए कि सबको एक साथ रखिए और इस तरह से हाथ को आगे बढ़ाकर। थोड़ा सा हाथ कर्व शेप में रहता है, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, चौकुरे से एक ही बनाने के बाद, रेकी कॉलिंग करने के बाद, जो कि मैंने हमेशा सिखाया हुआ है, बिल्कुल वीडियो के आखिर में उसका लिंक भी मिल जाएगा। हाथ को रब कीजिए और इस तरह से हील कीजिए। अगर आप रेकी नहीं भी जानते हैं तो ब्रह्मांड से प्रार्थना करके, परमपिता से प्रार्थना करके, हाथों को रब करके, ऊर्जा को पैदा करके और अफर्मेशन दीजिए कि हे परमपिता परमात्मा, हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, हे रेकी चेतना, आप आइए मेरे सहस्त्रार चक्र में उतर कर मेरे सातों चक्रों को ऊर्जावान करते हुए मेरे हथेलियों से स्पंदित होइए और इन सारी किताबों को, सारे नोटबुक्स को, इस जिसकी पढ़ाई मैं पूरे साल करने वाला हूँ, या मेरा बच्चा पूरे साल करने वाला है, या ये इंसान पूरे साल करने वाला है, या मेरा दोस्त, मेरा भाई पूरे साल पढ़ाई करने वाला है, उस पर अपनी इस शक्ति को बरसाइए। ये ऊर्जा जा करके उसकी बुद्धि पे समाए, उसके मन में, उसके विल पावर में समाए, ये ज्ञान और उसका मन आपस में जुड़े, इन किताबों को पढ़ने की इच्छा जागृत हो, पैदा हो, अंदर से इच्छा है, इसे पढ़े, अच्छे से अध्ययन करे, उसकी याददाश्त क्षमता अच्छी हो, इसे समझने की क्षमता अच्छी हो, जो भी पढ़ा हो वो उसे समझ में आए। मैंने कहा समझ में आए, रट्टा मारने याद करने के लिए नहीं, जैसा इन्फॉर्मेशन देंगे वैसा होगा, इसलिए बोल रहा हूँ अच्छे से समझ में आए और इसके साथ वो अपने ज्ञान को अच्छे से बढ़ा सके, अच्छे से वृद्धि कर सके। ऐसे कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको देने हैं जो कि हर हीलिंग में देने पड़ते हैं। तो इस तरह से हीलिंग कंप्लीट करने के बाद 3 से 5 मिनट मैक्सिमम टाइम, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 मिनट, इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। हाँ, महीने में एक बार पहली तारीख, दूसरी तारीख या तीसरी तारीख को कर दीजिए, पहली बार थोड़ी अच्छे से कर दीजिए, दूसरी बार में बस रोज़, हर महीने ऐसा करना है, हर एग्ज़ाम से पहले, हर पढ़ाई से पहले अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, जब भी पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत है तब भी कर लीजिए। हीलिंग कंप्लीट होने के बाद डिस्कनेक्ट कर लीजिए और इस तरह से उन सारे काफ़ी पुस्तक में हीलिंग हो चुकी है। अब आपका बच्चा, आपका भाई बहन, आपका दोस्त जब भी इस किताबों को लेकर के जाएगा, वो अंदर से उससे जुड़ाव महसूस करेगा, वो अंदर से उसके साथ जुड़ा हुआ महसूस करेगा। जैसे बच्चे किताबों से दूर भागते हैं ना, वो उनके साथ रहना पसंद करेंगे, जैसे हम मोबाइल के साथ रहना पसंद करते हैं, जैसे बच्चे मोबाइल्स के साथ रहना पसंद करते हैं, वैसे ही इसके साथ भी रहना पसंद करेंगे, उतना भी नहीं लेकिन ये उनसे भागेंगे भी नहीं। और इस तरह से रेकी हीलिंग आपके पढ़ाई में, आपके ज्ञान में, आपकी बरकत में इस तरह से आपको सहायता करेगी। आशा करता हूँ कि पढ़ाई के लिए रेकी हीलिंग का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका उपयोग कीजिए और समाज में एक अच्छा काम कीजिए। मिलते रहेंगे आने वाले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्ते अजी।